ज़री यूनिवर्सिटी शालीमार आज इस साल का पांचवा किसान मेला कर रही है। एक हमने पहला यहाँ पे मार्च में किया था इस साल, उसके बाद दो लद्दाख में किए, एक हमने शुपयान में किया, आज हमारा पांचवा किसान मेला है। और मकसद ये है कि जो यूनिवर्सिटी की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम फार्मर्स तक कैसे पहुँचाएँगे और फार्मर्स को हम कैसे मौका देंगे कि उन्होंने जो अपनी इनोवेशन करी है और उन्होंने जो एंटरप्रेन्योरशिप पर जो काम किया है उनको हम कैसे यहाँ पे उनको मौका देंगे यहाँ पे उनको दिखाने का। तो आज का जो ये किसान मेला ये ख़ास तौर पे ज़ोर देगा नेचुरल फार्मिंग पे, इस पर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम ज़ोर दे रहे हैं आज। और आज जो रबी सीज़न चल रहा है तो रबी सीज़न में जो क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं उसके बारे में होगा। और तीसरा एग्री स्टार्टअप्स पर भी हमारा काफ़ी फोकस रहेगा आज के इस किसान मेले में। और ख़ासकर जो है ना एक अर्बन एग्रीकल्चर है, अर्बन एग्रीकल्चर में हम किस तरह से अर्बन एग्रीकल्चर में जो वेजिटेबल सब्ज़ियाँ हम अपने किचन गार्डन उगा सकते हैं और अपने घरों में जो 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 फ्लोरिकल्चर है, फूल है, तो ये भी हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उनको कल्टीवेट कर सकते हैं और कैसे उसमें भी हम बिज़नेस जो सेमी अर्बन और अर्बन के जो बच्चे लोग उसमें कर सकते हैं। देखिए आज यहाँ पर ज़िला श्रीनगर के कृषि विज्ञान केंद्र ने किसान मेले का इनेकाद किया है। इस मेले का मकसद एक तो टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन, दूसरा जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, उनको मौका दिया जाता है, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां वो आके अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं। और ये भी पता चलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ज़्यादा इनोवेशन का स्कोप है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। तो इस तरीके से जो आज का ये मेला है, मैं समझता हूँ कि इसमें अगर आप लोगों ने यहाँ ज़रूर कैमरा शॉट लिया होगा तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये आप आवाम तक ले जाएं। इसमें देखिए जो प्रोडक्ट्स वॉलनट की ग्राफ्टिंग किस तरीके से करके, उसके बाद आप वेजिटेबल्स में देखिए कितनी इनोवेशन है और दीगर जो हमारे कंज्यूमेबल्स हैं और ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग किस तरीके से की जा रही है। इसके अलावा बाकी जो हमारा यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स ने अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोंस्ट्रेट किया है। और हम अब इनमें से बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको मार्केट में ले जाने के लिए हम अपने जो हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उम्मीद प्रोग्राम है, उसमें जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और प्रोडक्शन से लेकर, फार्म से लेकर मार्केट तक जो लिंकेजेस हैं, जहाँ मिसिंग डॉट्स हैं, उनको हम कनेक्ट करेंगे ताकि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, फार्मिंग फैमिलीज हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन ही पहले बलहामा को हमने मशरूम विलेज एस्टेब्लिश किया है, जिसमें 64 फार्मिंग फैमिलीज ने पहली बार मशरूम कल्टीवेशन अडॉप्ट किया है और 128 क्विंटल्स प्रोडक्शन की उम्मीद है वहाँ से। जी साहब, आखिरी सवाल है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या ये है स्कीम्स और जो अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं अपने के लिए क्या? देखिए एम्प्लॉयमेंट की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की जानब ऑनरेबल एलजी साहब ने जो शुरुआत की हुई है उसमें अभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले ही 3000 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए गए हैं। वो तो रही गवर्नमेंट नौकरी, लेकिन इसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए मुख्तलिफ शोबों में गवर्नमेंट ने हैंड होल्डिंग की है, उसमें स्कीम्स गवर्नमेंट ने रखी हुई हैं। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, हमारा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, KVIB, KVIC, तो इस तरीके से जो मुख्तलिफ हमारे शोबा जाते हैं, जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ नौकरी की तलाश कर लेना ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट डिग्रीज हासिल करने के बाद एक सरकारी नौकरी के लिए सालों साल वेस्ट करना, मुझे लगता है उससे बेहतर रास्ते भी मौजूद हैं जिसमें हमारे नौजवान एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं और जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। आज का जो ये प्रोग्राम है ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र श्रीनगर का प्रोग्राम है,
कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा नारकरा में एरिया में है, लेकिन इनका जो आज कैचमेंट एरिया है, इनके जो फार्मर्स है वो हमारे इस एरिया से है मुंसलिक। फार्मर उनको तकलीफ ना हो बोल के इसलिए हमने इनको ये दावत दी है कि आज आप डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी में आकर के तशरीफ। इसके कई वजूहात है जो आज हम ये, अभी तो ऑटम एक ऐसा मौसम है, अभी हमारा ऑटम सीज़न मौसम ख़जान अब सर्दियों में विंटर में सर्दियों में तब्दील होने जा रहा है। तो इस वक्त हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में हम अपने किसानों को जानकारी दें। और सबसे बड़ा एक इशू है जो अभी पूरे मुल्क में एक मुहिम चल रही है, जल शक्ति अभियान, वाटर का जुडिशियस यूज़, हम कैसे पानी को इस्तेमाल में बरोई कर लाएं। आप देख रहे हैं इस वक्त ज़मींदारी दो चीज़ों से बहुत दो चार है। एक तरफ जो हमारा ज़मीन है वो थोड़ा श्रिंक होता चला जा रहा है, कंक्रीटाइजेशन हो रही है, उसमें जो मकान बन रहे हैं, और दूसरे जो है पानी का जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला जाता है। कई वजूहात है उस चीज़। तीसरा एक प्रोग्राम का मुद्दा मकसद ये है कि जो आजकल हमारे फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स चूँकि ऑफ सीज़न है, इसलिए हम अभी अपने फार्मर हजरात को जो हमारे ज़मींदार हैं उनको बावर करना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लौट आए, ऐसे फार्मिंग कर लें जिसमें हमारे मुजिर फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना हो बल्कि बायो कंट्रोल हो और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स हो। जैसे सही आप वजह फरमा रहे, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारी एग्रीकल्चर लेवल बल्कि अभी अव्वल ज़मीन जो है उस, लेकिन इसके लिए लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती है। यूनिवर्सिटी का इसमें कोई ऐसा एज सच अमल दखल है नहीं, लेकिन ये इसके ये मतलब नहीं कि हम इस चीज़ से अपने आप को बचाएं। हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंटों से जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है उनसे हमेशा ये ताल्लुक रहता है, हम उनको बताते हैं, बावर कर देते हैं कि आया जब ऐसा कोई प्लान हो, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन कंक्रीटाइजेशन का प्लान हो, उस वक्त जो हमारे टाउन प्लानर है वो मुतल्लिका महकमे से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या एग्रीकल्चर महकमे से राबिता कायम करें, और कबल इसके कि वहाँ वो लैंड जो है ज़ेर काश जो रहती है और उसमें मकान बने, उससे थोड़ा सा गुरेज हो जाए। आज का मेला है कृषि विज्ञान केंद्र श्रीनगर जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन के डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन सुकोस्ट कश्मीर के अंडर काम कर रहा है। इसमें मतलब जो आज का मेला है, जो इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मतलब फार्मरों को मतलब इस वक्त ज़रूरत है ताकि वो काफ़ी मुनाफा इससे हासिल हो के इनकम है इनके दुगनी चारगुनी होनी चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि इनकी इनकम 2000 तक दुगनी होनी चाहिए। मगर जो भी हमने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हैं मुख्तलिफ, इसमें डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एलाइड डिपार्टमेंट भी शिरकत कर रहे हैं, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर का इसमें आप ही के इस वो आप ही के ये जो डायरेक्शंस हैं कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेले मुनाकिद कराओ, तो उसी सिलसिले में हमने ये आज ये प्रोग्राम मुनाकिद किया। मोहम्मद वसीम कुमार, यहाँ पे हम हनी सेल कर रहे हैं, एकेशिया हनी है, मल्टीफ्लोरा हनी है और वो कश्मीरी हनी है फारवाला। आप हमें बता सकते हैं क्या कुछ आपने यहाँ पर स्टॉल लगाया है? हमने स्टॉल लगाया इसलिए ताकि हम ये बेच सकते हैं, अरियान हनी है कश्मीर का जो हम हारवन श्रीनगर से है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं, ये बहुत ही बढ़िया अच्छा काम है, जो बेरोज़गार है वो भी यही काम कीजिए। कितने लोगों को आप रोज़गार प्रोड्यूस? हम बहुत सारे लोगों को ये प्रोड्यूसर हैं। कितने हैं इसमें आपके तकलीफ? तकरीबन होगा 2-3 हज़ार लोग। एक्चुअली मैं डॉक्टर उज़मा हूँ, मैं वर्किंग का एज एसोसिएट प्रोफेसर हूँ KVK श्रीनगर में सॉइल साइंस के शोबे में। तो इस प्रोग्राम को मकसद ये है कि हम फार्मर को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हर एक टेक्नोलॉजी जो हम KVK में करते हैं, ट्रेनिंग्स के फॉरम में या डेमोन्स्ट्रेशंस या वोकेशनल ट्रेनिंग में। हमने रिसेंटली वोकेशनल प्रोग्राम किया था एक सॉइल टेस्टिंग पे, तो हमारा ये एंटरप्रेन्योर है, इसने सॉइल टेस्टिंग का ये मतलब अपना बिजनेस संभाला है, हमने इसको गाइड किया है। तो एस्टैब्लिश इसको किया सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम NMS,
मतलब ये एक छोटी विलेज सॉइल टेस्टिंग लैब है दो दानपुरा में स्टार्ट की है, जो इसका मेन हमारा ये था कि हम रूरल यूथ को यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। तो हमारी ये है मुबारकबाद है कि हमने हमारे एक फार्मर ने ये स्टार्ट किया ये प्रोग्राम। दूसरा हमने प्रोग्राम किया था वर्मी कंपोस्टिंग पे, हम इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। तो हमारे एक दूसरे फार्मर ने ये ज़ाइलो गोल्ड है उसका, तो ये भी एक एंटरप्रेन्योर है हमारा एग्री स्टार्टअप से, तो उन्होंने अपना यूनिट तैयार किया है। तो हम यही चाहते हैं कि आगे मतलब जितने भी यहाँ पे रूरल यूथ हैं वो केवीके के साथ, खासकर केवीके श्रीनगर के साथ जुड़ जाए, सो दैट हम उनको ट्रेनिंग करें कि वो एक जॉब सीकर्स ना बन के जॉब प्रोवाइडर्स बन सकते हैं। तो हमारा एक दूसरा वेस्ट कंपोस्टर्स है, ये नई टेक्नोलॉजी है, किचन वेस्ट कंपोस्टर्स है, तो कंपोस्टिंग है, हम आराम से इसका किचन में कंपोस्टिंग करेंगे। सो क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा अर्बन एरिया आता है मैक्सिमम, तो हमारे पास लोगों के पास जगह नहीं होती है वो कंपोस्टिंग कहीं पे करें, तो ये एक टेक्नोलॉजी है डस्टबिन के बजाय अगर ये किचन वेस्ट कंपोस्टर डालेंगे, इसमें कुछ नहीं डालना, इसमें शालीमार माइक्रोब्स डालने हैं, इसी से उनका कंपोस्ट एक महीने में तैयार हो जाएगा। जो वो खाद लाते हैं बाहर अपने गमलों के लिए या अपने किचन गार्डन्स के लिए, हम ये प्रमोट करना चाहते हैं कि इनऑर्गेनिक को ख़त्म कीजिए, ऑर्गेनिक को हम प्रमोट करने चाहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ये प्रमोट कर सकते हैं, जो हमारा जो किचन वेस्ट सारा निकलता है, ये वाला टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है हमारे जो अर्बन एरिया में है। तो और हम बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी स्टॉल्स लगे हैं, इसमें यही है कि मतलब कोई फूड टेक्नोलॉजी के साथ, फूड प्रोसेसिंग के साथ कर सकता है, मतलब कोई पैकिंग के साथ कर सकता है, एक ही चीज़ पे ना रहिए। और मतलब हमारा ये है कि डबल द फार्मर इनकम करना है, और हमारा यही इस मेले का ये मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फार्मर आए, वो टेक्नोलॉजी दे और उस टेक्नोलॉजी को अपने घरों में फॉलो कीजिए। डॉक्टर साइमा फ्रॉम केवीके श्रीनगर। मेरा जो डिसिप्लिन है वो होम साइंस है, तो हम रिगार्डिंग ट्रेनिंग्स करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, उसमें हम इनको वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स सिखाते हैं बनाना, और क्राफ्ट एंड आर्ट की प्रोडक्ट्स बनाना सिखाते हैं, जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए और अपना रोज़गार खुद कमा सके। और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जैसे जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे मकई का आटा है वो बनाते हैं, इसका सत्तू हमने उनको उसमें ब्लेंड किया है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे नई चीज़ें सिखाई हैं जिससे वो अपने नए नए तरीके से अपनी चीज़ें मार्केट में ला सकते हैं और बना सकते हैं, और उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि आजकल सब लोग जो है डाइट कॉन्शियस हैं, अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, इसलिए हमने ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिससे हेल्थ बेनिफिट्स हों, और रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम प्रेफर करते हैं कि जो हैज़र्डस चीज़ें ना हों वो हम अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं करते। तो इन चीज़ों की डिमॉन्स्ट्रेशंस हम आपको दिखा सकते हैं, लाइक जैसे हमने अचार बनाया है विदाउट ऑयल, ये हमारा ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ऑयल है, अचार है, जिसमें हमने इनको सिखाया है कि आप विदाउट ऑयल भी अचार बना सकते हैं। दूसरा हमारा जो है जैसे साइंटिफिक तरीके से हम इंस्टेंट अचार बनाते हैं, इसमें शेल्फ लाइफ ही इसकी 1 to 2 months रहती है, और इसमें क्या है, इसमें वो वाले मसाले यूज़ किए गए हैं जो आपके मेडिकली आपको बेनिफिट्स देंगे। डिपार्टमेंट ने हमने इसमें सब्सिडी के दिया है, इसमें 75% सब्सिडी थी, उस पर उस बेस पर हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पोस्ट STFR, इसमें हमें ये टेक्नोलॉजी मतलब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से हमें मतलब बहुत कस्टमर को भी बहुत आसानी होती है टेस्ट करने में, हमें भी बहुत कम टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होता है इसमें, और हमारे जो आमदनी है वो भी इसमें अच्छी बहुत अच्छी तरह से चलती है। आप बता सकते हैं कि क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं और क्या क्या आपके इक्विपमेंट क्या क्या है यहाँ पर? इसमें इक्विपमेंट जो है सबसे पहले जो STFR है, ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी, अगर आप यहाँ से देखेंगे भी ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है STFR हार्वेस्टो की, सॉइल टेस्टिंग फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन ये ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन भी करती है, और उसके बाद वेट वेइंग बैलेंस आती है, इनोकुलेशन होता है, और ये शेकर भी होता है इसमें, ये सब मतलब EC हम करते हैं, PH भी करते हैं, ये सब हम इसी से करते हैं।